फाइनली जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो 24 अक्टूबर को खत्म हो चुका है और रिजल्ट भी हमको सबको पता ही है और एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा बन गया है कि बस हर तरफ से शब्द के वार छोड़े जा रहे हैं, कुछ भारत से भी छोड़े जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी छोड़े जा रहे हैं और कुछ लोग सेलिब्रेशन भी कर रहे थे तो उनपे काफी एक्शंस भी लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसा तो होता ही रहता है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अब इंडिया बाहर हो जाएगी, तो मैं आज यही सब कहना चाहता हूं कि बस अभी इंडिया का नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए और इंडियन टीम के जो आपके पैनलिस्ट हैं, जितने भी आपका स्टाफ है, वो लोगों को क्या प्लान होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट मैच है वो न्यूजीलैंड से है। तो न्यूजीलैंड से मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियोज में बताया था, जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोगों की जो हिस्ट्री है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई खास अच्छी नहीं है, चाहे हम आपके वर्ल्ड कप में 50-50 में देख लें, चाहे हम T20 के वर्ल्ड कप में देख लें, तो हम हमेशा न्यूजीलैंड से हारते रहे हैं। और अभी आपकी जो लास्ट सीरीज हुई थी आपकी WTC जो हुई थी आपकी टेस्ट चैंपियनशिप आपके लॉर्ड्स में हुई थी, उसमें भी हम फाइनल में आपके न्यूजीलैंड से हार गए थे, तो एक माइंड सेटअप भी है जो न्यूजीलैंड का कि हाँ भाई इंडिया को तो हम हरा ही देंगे। तो कुछ ऐसे ही मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि अब आपका मैच तो हो गया जिसमें जो होना था फाइनली, अब वो तो जो बीत गया वो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन अब इंडिया को क्या करना चाहिए। तो जैसे 31 तारीख को हमारा मैच है तो जो हमारे बुमराह थे उनकी लाइन लेंथ कुछ खास नहीं थी, जो भी वो स्लोअर्स भी मार रहे थे वो भी काफी हल्की फुल्की मार रहे थे, जिसपे वो चौका छक्का मार दे रहे थे। फिर जैसे हमारे भुवनेश्वर थे उनकी जो आर्म थी वो काफी इंजर्ड लग रही थी और उनके ओवर में लगभग उन्होंने 4 ओवर्स फेंके थे, 4 ओवर्स में उन्होंने करीबन 40 से ऊपर रन दे दिए थे। और ऐसे ही हाल हमारा कुछ था आपके समी का, समी ने भी लगभग 4 ओवर में इन्होंने करीबन 45 रन दे दिए थे। तो बस आप तो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, क्योंकि आपने कल देखा होगा जो अफगानिस्तान मैचेस खेल रही है वेस्टइंडीज के साथ, क्योंकि उन्होंने वेस्टइंडीज को काफी कम रन पे समेट दिया था, लगभग 35-36 रन का उनका रिकॉर्ड रहा उस पहले मैच में, कि इतने मैचों से वो हार गई। और जैसे आपने देखा होगा इतने विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो आंड्रे रसल वगैरह हैं, आपके पोलार्ड वगैरह हैं जो IPL में खेलते हैं और 1-1.5 महीने से रह रहे थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी प्लानिंग करी, तो भाई हम भी तो कर सकते हैं प्लानिंग। तो हमारे पास इतना अच्छा स्पिन ट्रैक है, हमारे पास अश्विन भी है हमारे, और फिर हमारे जैसे कुछ हम बैटिंग में भी फेरबदल कर सकते हैं, आपके जैसे शार्दुल ठाकुर है हम उनको किसकी वजह रख सकते हैं, जैसे हमारे शार्दुल ठाकुर है तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे शार्दुल ठाकुर है हमारे तो हम इनको कर सकते हैं अपने भुवनेश्वर की जगह पे, इससे हमको एक तो बैटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा और हमारी बॉलिंग में भी कुछ चेंजेस आएंगे। और जैसे हम स्पिन में हम क्या कर सकते हैं, अश्विन को भी ले सकते हैं, वरुण चक्रवात तो है ही हमारे, तो उनका तो बिल्कुल ठीक चल ही रहा है, क्योंकि अगर ये वाला मैच हम हार जाएंगे तो ऑलमोस्ट हम वर्ल्ड कप से बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मैच हमारा जो है वो आपका अफगानिस्तान से है और अफगानिस्तान इतने हल्के में हम उसको ले नहीं सकते, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका 2019 का वर्ल्ड कप था उस पर हम बस हारते हारते बचे थे, अगर लास्ट ओवर अगर हमारा ठीक से नहीं हुआ था तो हम उसमें हार ही गए थे। और एशिया कप में भी आप देख लीजिए हम जीता हुआ मैच हमारा क्या हो गया था, ड्रॉ हो गया था, तो हम अफगानिस्तान को भी हल्के में नहीं ले सकते। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान 2 मैच जीत चुका है, पाकिस्तान फाइनली 2 मैच जीत चुका है और वो इस समय जो आपका पूल है इसमें फर्स्ट रैंक पे है, तो एक पहली टीम जो है आपकी पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंची जाएगी, दूसरी जो है आपकी न्यूजीलैंड, तो वो ऑब्वियसली उसका रिकॉर्ड जो है प्रीवियस का उसने अफगानिस्तान को काफी उससे हराया था, वार्म अप मैचेस में भी उसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, इंडिया के खिलाफ तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है ही, तो फिर इंडिया जैसे अब स्कॉटलैंड से जीत जाएगी, ओमान से जीत जाएगी, फिर अगर इन दोनों में से एक भी मैच अगर इधर उधर हुआ तो इंडिया बाहर हो जाएगी, तो इंडिया को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, अगर हम उसके बाद से अगर हम बाय चांस सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो हमारा जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है हमारा बल्लेबाजी का कि हमने क्या कर रखा, बस हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे हमारे रोहित शर्मा है इनको हमेशा नई बॉल से दिक्कत होती है, क्योंकि जो आपकी पिचेस होती है उसमें स्विंगिंग वगैरह उसी समय मिलता है, जो हमारे शाहीन अफरीदी थे उनकी जो 2 गेंदें थी जिसमें हमको विकेट्स मिल गया था, तो
वो यही था कि भाई शुरू की दो बॉलें ऐसी होती है कि जो स्विंग के साथ आप खेलने जाते हो तो उसपे कई बार बल्लेबाज या तो निक लग जाता है या तो एल्पो डब्ल्यू होने का चांसेस होता है, जैसा कि रोहित शर्मा के साथ हुआ, लोकेश सर तो बोल्ड ही हो गए थे। तो यही सेम चीज होती है, तो हम उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं, हम कोई अपना टैलेंटेड बल्लेबाज भी दे सकते हैं जैसे पिच हिटर टाइप का हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हमको जो आपको पावर प्ले होता है उस पर तेजी से रन भी बनाने होते हैं, तो ये सब चीजें करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो स्टाफ है जैसे रवि शास्त्री हो गए, धोनी अब तो मेंटर है, कुछ प्लान्स है हमारे ऐसे हो सकते हैं। और क्योंकि इसके बाद से ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप है, उसके बाद से नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी है, तो हमको ये वाला वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ डाउन ही चले जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे रोहित शर्मा हो गए चाहे लोकेश राहुल हो गए, अगर ये फॉर्म में नहीं आए तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, फिर हम लोग 150 या उससे भी नीचे में सिमट जाएंगे। तो इन दोनों को बल्लेबाजों को या तो आप थोड़ा पोजीशन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बॉलिंग में चेंजेस कर, जैसे मैंने बताया आपका कि आप जो हमारे प्लेयर इंजर्ड है हार्दिक पांड्या है, उनको भाई आप थोड़ा टाइम दीजिए, इंजर्ड प्लेयर कैसे खेलेगा। तो हमारे जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, हमने जो प्लेयर्स अदर्स चुने हैं जैसे आपके सूर्य कुमार यादव है, इनको भी हम ओपनिंग करवा सकते हैं, आईपीएल में इन्होंने कई बार किया है तो ये भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जैसे आप देख सकते हैं पिच हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं आपके सूर्य कुमार यादव, तो इसमें भी अच्छा है अगर हम अगर 6 ओवर में करीबन 50 या 45 रन के आसपास स्कोर कर लेते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा। आप जैसे आज का जो मैच था हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, अगर यहाँ पे अफगानिस्तान कुछ फेरबदल कर देती है, कुछ अगर आपको सस्पेक्ट कर सकती है, तो फिर इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फाइनली जो आपका अफगानिस्तान है उसने स्कॉटलैंड को हरा दिया है, ओमान को ऑलमोस्ट हरा ही देगी, और पाकिस्तान को अगर वो हरा देगी तो फिर इंडिया का फिर इस टूर्नामेंट में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इसलिए इंडिया का बाकी के जो टूर्नामेंट के मैच बचे हुए मैच है वो जीतना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारा हर बार का यही रहता है, क्योंकि 2007 में हम विश्व कप जीते थे, उसके बाद से 9 में हम पहले राउंड से बाहर हो गए थे, तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। 10 में भी सेम हुआ था, 12 में भी यही हुआ था, 14 में हम फाइनल में खेले थे। और दूसरी चीज हम किसी भी टीम को जो हम हल्के में ले लेते हैं ना, 2020 ऐसा फॉर्मेट है कि एक दो ओवर में नहीं 3-4 गेंदों में ही आपको पूरा फॉर्मेट चेंजेस हो जाता है। जैसे आपको 2016 का वर्ल्ड कप था, ऑलमोस्ट इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया था, लेकिन जो आपके कार्लोस ब्रैथवेट थे 4 बॉल में 4 छक्के मार गए थे स्टोक्स के, तो वो क्या था, 4 गेंदों का ही फर्क था और 4 छक्के लग गए थे, 19 रन जो चाहिए थे उन्होंने 24 रन मार दिए 4 बॉलों पे। तो इतना छोटा फॉर्मेट नहीं है भाई, इसमें कुछ प्लानिंग सही है, आप इतना भी ढील नहीं दे सकते। और हम लोग जो है, हमारा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हम हिस्ट्री से कभी भी कुछ सीखते नहीं है, और क्रिकेट ऐसा गेम है हर इंसान क्रिकेट देखता ही देखता है, हम लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। अब एक काफी लंबा अरसा हो गया है, 2013 के बाद से हमने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता है, वर्ल्ड कप तो 2011 के बाद से हमने जीता ही नहीं है। तो आई थिंक डेली ये बातें करना कि हाँ इंडिया जीतेगा और फिर वही होपलेस वाली बातें, तो अब बहुत जरूरी हो गया है कि इस बार का जो विश्व कप है वो भारत के पास ही आना चाहिए। और तो बस अगर हम थोड़ा बहुत प्लान वन ठीक से रहेगा अगर भारतीय टीम का, तो ऑब्वियसली इंडिया जीतेगी, और हमारे पास बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है, चाहे गेंदबाज हो, टॉप रैंकिंग्स में देख लीजिए भुवनेश्वर आपके टॉप 5 में है, आपके कोहली 4th नंबर पे है, आपके सूर्य कुमार यादव ने 6 महीनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो बहुत जरूरी हो गया है। और अगर हम हल्के में लेंगे तो फिर हमको फिर ऐसे ही होगा, छोटी छोटी टीमें भी हमको झटका देंगी और हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो बस नेक्स्ट जो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके बाद से मैं अपना लेक्चर दूंगा इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।